आज के वीडियो में आपको मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल करण जौहर ने एक ग्रैंड बर्थडे बैश पार्टी रखी थी, जिस पर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी को वहां पर देखा गया। इस पार्टी में मलाइका अरोरा को भी देखा गया। मलाइका अरोरा ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखा था और उनको इस ड्रेस पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। मलाइका अरोरा की इस ड्रेस चॉइस पर उनको बहुत ज्यादा बातें सुनाई गई। किसी ने उनको पैरट कहा, किसी ने उनको कुछ कहा और किसी ने उनको कुछ कहा। इससे पहले भी मलाइका अरोरा अपनी ड्रेसिंग को लेकर काफी बातें सुन चुकी हैं और अब फिर एक दफा मलाइका अरोरा इन ट्रोलर्स की बहुत सारी बातें सुन रही हैं। ऑल्दो मलाइका अरोरा का ड्रेस ठीक चॉइस नहीं था इस पार्टी के लिए, जहां बॉलीवुड की डिफरेंट एक्ट्रेसेस के ड्रेसेस को देखा जाए तो हर कोई अपनी द बेस्ट वर्जन में थी, बट मलाइका अरोरा उन सब में ही काफी डिफरेंट दिखाई दे रही थी और उनका ड्रेस चॉइस बहुत ही बैड चॉइस था। ये ड्रेस बिल्कुल भी किसी पार्टी में पहनने वाला नहीं था और इसका कलर भी बिल्कुल उनकी स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रहा था और उनका बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ऑल्दो मलाइका अरोरा इस सब के अलावा भी एक और चीज को लेकर भी काफी ट्रॉल की जा रही है। मलाइका अरोरा को एक बार फिर से अर्जुन कपूर के बगैर इस पार्टी में देखा गया, जिस पर फैंस के बहुत बुरे रिएक्शन थे। नेटिजन्स का यही कहना था कि मलाइका अरोरा के ऐसी ड्रेसिंग के कारण अर्जुन कपूर उनके साथ कहीं जाना नहीं चाहते। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के बीच अगर कोई डिफरेंस है तो वो उनकी इस ड्रेसिंग को लेकर ही है। इससे पहले भी मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के बीच काफी सारी फाइट्स हो चुकी हैं और रिपोर्ट्स में यही बताया जाता है कि मलाइका अरोरा की इस तरह की ड्रेसिंग अर्जुन कपूर को पसंद नहीं। अर्जुन कपूर चाहते हैं कि मलाइका अरोरा इवेंट के मुताबिक ड्रेसिंग करें, बट मलाइका अरोरा हमेशा ही डिफरेंट दिखने के लिए कुछ अलग ड्रेसिंग करती है और ऐसी ही ड्रेसिंग उनकी चॉइस रहती है, जिसके कारण मलाइका अरोरा एक बार फिर से बहुत ज्यादा ट्रोल की जा रही है। आपको मलाइका अरोरा का ड्रेस कैसा लगा और क्या ये ड्रेस बर्थडे पार्टी के लिए ठीक था, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।